एक ट्रेन 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आई थी और एक ट्रेन अब आती है। 1947 और आज की इस ट्रेन में जमीन आसमान का फर्क है। वो ट्रेन आज भी याद दिलाती है कि कैसे परिवार के परिवार एक दूसरे से जुदा हुए थे और दूर हो गए थे एक दूसरे की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अपने किसी साथी की अनजान गलती की भरपाई कर रही है आज की ट्रेन, प्यार का पैगाम भी दे रही है और रिश्तों को जोड़ भी रही है। कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, कोई मार कुटाई नहीं चाहता, सब पीस चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। चलिए घरों में दीवारें भी हो जाती हैं, हम मानते हैं, दो भाई रहते हैं तो कभी कभी वो अलहदा हो जाते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं छोड़ देते। मैं जब यहाँ आता हूँ, कलकत्ता जाऊँ या बॉम्बे, पूरी दुनिया के शहरों में हिंदुस्तान, तो वो अगर पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके यहाँ लोग हैं तो मुझको वो पूछते हैं, वो गली कैसी है, रावलपिंडी कैसा है, लाहौर कैसा है, कोई फैसलाबाद का है, तो उनकी आँखों में वो एक तड़प और एक उदासी जब देखता हूँ तो हमारा दिल भर आता है। जिस ट्रेन में हम सवार हुए वो जा रही थी दिल्ली से अटारी बॉर्डर के लिए। इस ट्रेन में बैठे ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे। दरअसल यही वो ट्रेन है जो दोनों मुल्कों के आम लोगों को जोड़ पाती है। ट्रेन हिंदुस्तानी, लोग पाकिस्तानी, लेकिन माहौल जैसे एकदम अपना, ऐसा माहौल जो हम रोज देखते हैं। ट्रेन में बैठे लोगों से हमारी भी खूब बात हुई, सियासत से लेकर मोहब्बत के जज्बे तक। मैं मिलने के लिए आया था अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आया था, और मेरी ये कोशिश थी कि मैं यहाँ पर जो है अगर जो है इनके त्यौहार वगैरह देखूँ। आइमिंग मेरे को जो है यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मिला, तो मेरे सिस्टर ने मुझे राखी जो है बांधी है, तो मुझे बड़ी दिली मुसरत हुई है कि यहाँ पर ये राखी मुझे बांधी, और मुझे बड़ी दिली मुसरत हुई है कि मैंने यहाँ पर जो है इन्जॉय किया, फुल इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया ऑलराउंड मुझे। पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ के लोगों में और उनके उधर लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे इनकी लैंग्वेज में या किसी भी नेचर में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। हमें बहुत अच्छा इधर महसूस हुआ आने के बाद कि भाई अगर ये लोग वैसे भी आपस में मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान से जिस वक्त हम इंडिया के लिए रवाना हुए तो हमने ये महसूस किया कि अब देखते हैं जाकर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इंडिया कि वो कैसा मुल्क है। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे, इंडिया जब पहुँचे, तो हमें इस किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब है जैसे हम इंडिया पहुँचने के बाद महसूस हुआ कि भाई हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो अब यहाँ उधर से जब इधर आ रहे थे, उधर से हम इधर आ रहे थे, बड़ी हमें दुख महसूस हो रहा था कि अपना मुल्क छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इंडिया से हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हमें अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये भी हमारा एक पाकिस्तान है कि हम अपना मुल्क ही छोड़कर जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये तो जो इनमें इनके जहनों में जो रंजिशें हैं, तलखियाँ हैं, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। एक बात इन दिनों काफ़ी सुनने को मिलती है कि दोनों मुल्कों के बीच तलखी बढ़ाने में नई नस्ल ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन इस ट्रेन में हमने वैसा कुछ भी महसूस नहीं किया। नई नस्ल के लिए भी रिश्तों की अहमियत नजर आई और उन मासूम कलियों के लिए भी जिन्हें इन रिश्तों में कड़वाहट का अंदाजा तक नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इंडिया बहुत पसंद आया। जब मैं पहले आया था तो बहुत छोटा था, अब आया हूं तो अब याद रहेगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। इंशाल्लाह हम भी आपको याद रखेंगे और आप भी हमको याद रखेंगे। तो बेटा सबसे अच्छी बात तुमको यहाँ पे क्या नज़र आई? बस मैं ये इंडिया बहुत खूबसूरत है, हरियाली है, सब शादाब है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिल्में देखी यहाँ पर? जी बिल्कुल देखी। कौन कौन सी देखी? बहुत सारी देखी।
हम नाम भी बताऊं मैं? हाँ बताओ। प्यार किया तो डरना क्या देखी, जब प्यार किसी से होता है वो देखी, प्यार तो होना ही था वो देखी, गुलाम देखी, मेजर साहब देखी, करीब देखी, शोला और शबनम देखी। जब इन दोनों मुल्कों में नफरत की बात होती है या इख्तलाफ की तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, आए दिन अखबारों में, टीवी में इश्तहार और खबरों में आता रहता है कि आज इंडिया में ये हुआ वो हुआ, पाकिस्तान में इतने मारे गए इस बात पे वो ये, इस बात पे बहुत गुस्सा आता है मेरे को। जैसे कि ट्रेन में बम रखा गया था ना, वैसा इस बम जो फूट रहे हैं आजकल, इस वजह से लड़ाई हो रही है ना पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, तो इन सबको, इन दोनों मुल्कों को आपस में रहना चाहिए, भाईचारा कायम करें आगे। भाईचारा दोनों मुल्कों के बीच में होगा तो कैसा लगेगा बेटा? अच्छा लगेगा। इसी ट्रेन में एक हिंदुस्तानी नागरिक भी सवार थे। लाहौर में अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे इस शख्स से हमने सिर्फ एक ही सवाल किया कि एक हिंदुस्तानी होते हुए उन्हें एक पाकिस्तानी से रिश्तेदारी करना कैसा लगता है। भाई जब एक बात है, हम एक बाप सू एक माँ सू पैदा हैं, सन 47 में तो इधर उधर हुई लोग बागी बात, तो फिर अब रिश्ता तो भाई उसे रह रही है, बात ही आमन गमन तो चलती रहे रिश्ता नहीं की।